आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ करेले। ये मैंने लिए हैं करेले और प्याज, दो प्याज, दो टमाटर, 6-7 हरी मिर्ची, 8-10 कलियाँ लहसुन, थोड़ा सा अदरक और मैंने लिया है धनिया और लिए हींग और काली मिर्ची पिसी हुई स्वाद अनुसार। चलो करेले शुरू करते हैं, बनाते हैं। पहले मैं सरसों का तेल डालूंगी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, मैं थोड़ा ज़्यादा लूंगी। अब तेल गर्म हो चुका है और मैं अभी इसमें करेले डालूंगी। पहले एक एक करके सारे करेले डाल दूंगी मैं इसमें। डल चुके हैं और इनको मैं सर्व करती हूँ। अब इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट ऐसे इसको भूनना है तेल में। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। इसको मिला दूंगी। अब ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, तो अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। साथ में मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्ची। मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। मैं डाल दूंगी इसमें लहसुन, ये साथ साथ डलेगा सारा कुछ। थोड़ा सा अदरक के 2-4 टुकड़े ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। इसको मैं भून लूंगी। ये हींग भी डाल दूंगी मैं इसमें। करेले में 2 तरीके से बनाती हूँ, या तो प्याज भून के, टमाटर वगैरह भून के उसके बाद करेले डालती हूँ, या फिर मैं इस तरीके से, ये 2 तरीके से बनाती हूँ। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है, नमक पहले मैंने डाल दिया था तो थोड़ा सा और नमक डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके बाद काली मिर्ची, इसको मिला लूंगी। हाँ, अब ये सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर। इसको मिक्स कर दूंगी। और अब ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे। इसको मिक्स कर दूंगी। अब ये टमाटर मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी और इसकी आंच थोड़ी कम कर दूँगी फ्लेम। 10 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। ये हमारे करेले बन चुके हैं। देखिए ये रसीले करेले, देखते हैं चेक करके। हमारे करेले बन गए हैं, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारे करेले हो गए तैयार और इनके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँ। मुझे अच्छा लगता है धनिया हर एक सब्ज़ी में। करेले तैयार हैं। थैंक यू।